हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूं। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर न्यूज़ वगैरह लाता रहता हूं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो RHS से रिलेटेड है। तो रिसेंटली RHS ने अपने इंस्टा पर कुछ स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने उन लड़कों को दिखाया है जिनके साथ मिलकर उन्होंने शपाई गैंग शुरू की थी। तो उनकी इंस्टा स्टोरी वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं। बकाया अगर आपको उनके इंस्टा से कनेक्ट होना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो सारे बॉयज इकट्ठे हुए हैं ये वो हैं जहां से शपैक गैंग शुरू हुई थी। ये तो लेट आया था, शपैक गैंग इससे पहले शुरू हो चुकी थी। उसमें एक बंदा हसन था, तला थोड़ा बहुत था, फौसी अरसलान था, और उसके बाद बंटी पहुंचा था, फिर उसके बाद जेडी पहुंचा था, और ये कहीं मिड में था। मैं साथ साथ ही आया कप के। तो यार इसी के साथ हमारी जो अगली न्यूज है वो स्टार एनोनिमस से रिलेटेड है। तो रिसेंटली स्टार एनोनिमस ने अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें GTA 5 से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वो गेमिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं GTA 5 की भी अपने चैनल पे। तो उसके रिलेटेड अगर किसी को कुछ हेल्प हो तो उन्हें बता दे, बकाया स्टोरीज में आपको दिखा देता हूं। अस्सलाम वालेकुम यार, आप में से अगर कोई GTA 5 के बारे में जानता है, खेलता है, और वो जो उसके सर्वर्स होते हैं और वो सारी चीजें जो होती हैं, आपको अच्छे से इसके बारे में कुछ आइडिया है तो आप मुझे स्टोरी पर रिप्लाई दे सकते हो, या फिर बेटर है कि आप मुझे स्टोरी लगा के टैग करके बता सकते हो। ज़रूरत है क्योंकि हम GTA 5 स्टार्ट करने वाले हैं, तो हेल्प चाहिए थोड़ी सी पब्लिक। तो यार इसी के साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बाबा ओपी से रिलेटेड है। जो रिसेंटली बाबा ओपी ने अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उनकी वीडियो का वो पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साउथ एशिया हाँ, अगर तुम लोग को पता नहीं, हम लोग साउथ एशिया PMPL के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है, और ईद के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। इधर तो तुम लोग अपने ही हो, ठीक है, 200-300 बंदा जो देख रहा है, तुम लोग यहाँ गप्पे शप्पे लगाते हैं। हम लोग जा रहे हैं फॉर द साउथ एशिया PMPL। अब ये नहीं मैं बता सकता मैं खेलने जा रहा हूँ या स्ट्रीम करने जा रहा हूँ। स्ट्रीम ही करने जा रहे हैं यार, हम लोग जा रहे हैं अपना साउथ एशिया के लिए और प्लस ईद के लिए, और तीन चार रीज़न है। एक तो मैंने साउथ एशिया की स्ट्रीम वगैरह करनी है तो मैंने कहा यार पाकिस्तान बैठ के करेंगे, दूसरा ईद आ रही है तो इसलिए, तीसरा मैंने किसी से मिलना है इसलिए, चौथा मैंने अपनी मामा से भी मिलना है, ठीक है। तो आज मेरी मामा से बात हुई थी यार, शी वॉज फीलिंग सैड, शी वॉज मिसिंग मी। तो यार तीन चार वजह हैं मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, समझ रहे हो, तो आओ। तो यार बाबा की स्ट्रीम में लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह लगने लग गए थे कि बाबा उसकी शादी के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान शादी के लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसके रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि बाबा ओपी ने जो तीसरा रीज़न दिया वो वाकई शादी का है या नहीं। तो इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो मां सफदर से रिलेटेड है। तो रिसेंटली मां सफदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने अपनी ऑफिशियल फ्रेग्रेंस लॉन्च की है। और मां सफदर ने साथ साथ ये भी बताया कि उनकी वेबसाइट वगैरह है जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, वो रिसेंट में डाउन हो चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वगैरह उसके ऊपर जा रहे थे। तो इस वजह से, और साथ साथ उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बकाया उनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उनकी फ्रेग्रेंस परचेज कर सकते हैं। तो भाई व्लॉग के अंदर परफ्यूम लॉन्च कर दिया मैंने, और परफ्यूम बे इंतहा खूबसूरत है और बे इंतहा क्लास का मतलब उसकी फ्रेग्रेंस है। और उसकी वेबसाइट का लिंक था उसके अंदर यूट्यूब के अंदर, वो तो भाई आप लोगों ने उड़वा दी, मतलब के उस पे एक मिनट दो मिनट पहले व्लॉग डला है और वो वेबसाइट ही नहीं चल रही। तो उसके बहुत सारे भाई हल है के इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पे भी पेज है, अगर आपकी वेबसाइट अगर अभी नहीं खुल रही 15 मिनट तक या 20 मिनट तक, देन उसके बाद आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसको लेडीज वाले इसको चाहिए होगा। अच्छा मैं बताता चलूं कि दो परफ्यूम है, एक मैन का और एक वुमेन का। नहीं, यही सोचा था कि यार मैन का अगर कर दूंगा तो सारी वुमेन्स नाराज हो जाएंगी, और अगर वुमेन का कर दिया तो सारे मेंस नाराज हो जाएंगे, क्योंकि देखने वाले ना वो दो तरीके के से, लाइक लड़कियां हैं आधी और आधे लड़के हैं। जो मेरे यूट्यूब के स्टेट्स है ना उसमें आधी लड़कियां हैं आधे लड़के हैं। सो लॉन्च करते हैं, मम्मा पापा जैसे आएंगे वैसे लॉन्च कर देंगे। आइए आइए फरी आ जाओ, पापा आ जाए, तुम मिठाई लेकर आओ जल्दी 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 जल्दी। मिठाई मैंने पहले ही खोल के रख ली, देखा तो नहीं मुझे परफ्यूम नहीं दिखा नहीं दिखा। तो मम्मा पापा भी सामने खड़े हैं, सो फर्स्ट लुक हम आप सबको और मम्मा पापा को दिखाने वाले हैं। एक परफ्यूम सबके हाथ में, एक परफ्यूम मेरे हाथ में, सो वन काउंट करें, टू
3। तो यार मास्टर सदर की फ्रेग्रेंस वगैरह तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, उसके लिए आपको उनकी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन पूरी वीडियोस का लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मजीद आगे बढ़ते हैं, तो आज की जो हमारी अगली न्यूज है वो इकरारुल हसन से रिलेटेड है। तो इकरारुल हसन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि आज के सोशी सेगमेंट में शान रमजान में कुछ तारीख का हैरत अंगेज कारनामा करने जा रहे हैं शाहिर नो, तो उसके रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, क्योंकि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सेगमेंट वगैरह जा चुका होगा, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, क्योंकि शाहिर नो एक माइंड रीडर है तो उसके रिलेटेड कुछ होगा। तो यार आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर कोई भी न्यूज़ मुझे पहुंचानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप वहां सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।